ये फोकस करते हैं एक ऐसे सेक्टर पर जिस पर बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, अच्छी पॉजिटिव वाली, बढ़िया वाली, ग्रेड आई। यह है संस्था जो रियल एस्टेट कंपनियों की जो है ना दिग्गज संस्था है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर उन्होंने बहुत ही बढ़िया आउटलुक दिया। तो हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट की जो हाइलाइट्स हैं आप जरूर जाने समझे। वरुण हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। वरुण बताइए, क्रेडाई ने क्या क्या अच्छा कहा है? तो अनिल जी, खराब कहा तो वो भी बता देना है। नहीं, खराब कुछ नहीं कहा, अच्छा ही कहा है। और जो कहा है सवाल ठीक था, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कह रहा है कि अगले 10 साल में रियल एस्टेट सेक्टर का जो मार्केट साइज है यहाँ से 4 गुना हो जाएगा। चार गुना हो जाएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट मार्केट का जो मार्केट साइज है करीब 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 2034 तक ये करीब करीब 108 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। यानी कि सीएजीआर ग्रोथ अगर आप निकालेंगे तो ये करीब 16% के आसपास की सीएजीआर ग्रोथ से बढ़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, इनका कहना है कि 2047, जबकि मोदी जी जब कहते हैं कि हम एक डेवलपिंग नेशन होंगे, तब तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट साइज करीब करीब 428 लाख करोड़ होगा। यानी कि अगले 10 साल में 4 गुना होगा और उसके बाद करीब 13 साल में और 4 गुना होने की क्षमता ये रखता है। यानी कि यहाँ से देखेंगे तो आपको मल्टीपल फोल्ड ग्रोथ जो है वो पूरे के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में देखने मिल सकती है। 2037 तक अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो डेवलपिंग स्टोरी है या फिर जो डेवलप्ड इंडिया की स्टोरी है उसमें रियल एस्टेट मार्केट जो है काफ़ी बड़ा हाथ रखने वाला है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो GDP का करीब 7% के आसपास जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। वो 2034 तक अगर आप देखेंगे तो बढ़ के करीब 13.8% हो जाएगा और 2047 तक अगर आप देखेंगे तो करीब 17.5% के आसपास हो जाएगा। और 2047 तक जो CAGR ग्रोथ होगी वो करीब 15.5% के आसपास जो है वो रहने वाली है। इस तरह की कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है वो आपको रियल एस्टेट सेक्टर में देखने मिलेगी। हाउसिंग और कमर्शियल दोनों सेक्टर जो है वो अच्छे खासे ग्रो करेंगे। इनफैक्ट इनका अनुमान है कि 2030 तक करीब 7 करोड़ यूनिट्स जो है उसकी अतिरिक्त मांग आने वाली है। और ये खासकर अगर आप देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उस सेगमेंट में ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी भी भारत में करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। और खासकर जो इन्होंने प्राइस लेवल दिए हैं 45 लाख से अधिक कीमत के जो घर है उसमें सबसे ज़्यादा बिक्री जो है वो आपको देखने मिल सकती है। तो ये है क्रेडाई की रिपोर्ट जो कहती है कि अगले 10 साल में 4 गुना और उसके बाद 13 साल में और 4 गुना होने की क्षमता जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ा एक्शन रियल एस्टेट में। रिसेंटली थोड़ा करेक्शन आया है, एक दो जगह थोड़े स्लो डाउन कहते हैं, बट जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो रियल एस्टेट के लिए अच्छा है ये इंडस्ट्री बॉडी। इसका मैं भी विश्लेषण करना चाहता हूँ जी, बताइए। बिगुल के बाद, बिगुल के बाद, हाँ बिगुल अनिल जी के लिए आज के 2000। ₹830 के आसपास DLF के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ खरीदारी करने की राय है। 820 आज के लो पर स्टॉप लॉस लगाएं। 840, 850 और 865 तीन टारगेट के लिए पोजिशनली आप करें खरीदारी। और क्रेडिट गोज टू वरुण, टारगेट हिट हुआ तो मुझे आप धन्यवाद दीजिएगा, नहीं हुआ तो वरुण जिम्मेदार माने जाएंगे। स्टॉप लॉस के लिए वरुण जिम्मेदार। 848, 850, 865 हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है DLF। और एक्चुअली दीप अच्छे वैल्यूएशन पे भी आ चुका है वापस करेक्शन होने के बाद में, जिस तरह से गुड़गांव में गुरुग्राम में लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है और जो आप बता रहे हैं 5 साल में जो इंडस्ट्री आगे पहुंच सकती है, गजब का एक्शन। 10 साल में 4 गुना, कितना मतलब 10 साल में 4 गुना, और उसके बाद और 10 साल में और 4 गुना, यानी कि यहाँ से अगर आप सोचेंगे तो 20 गुना। तो इतनी पोटेंशियल है अगर इंडस्ट्री की, तो फिर DLF तो कभी आपको बेचना ही नहीं है। थोड़े दिन पहले अनिल जी DLF ने कहा था कि अगले 3 से 4 साल में 80,000 करोड़ रुपए के आसपास के प्रोजेक्ट्स जो है ये लॉन्च करने वाले। इतना पोटेंशियल केवल DLF बिलियन डॉलर्स, बिल्कुल इतना पोटेंशियल है। वो भी कम नहीं होते। सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टॉक है, बढ़िया है, यहाँ पर आपको निवेश करने का मौका बन रहा है। 840, 850, 865 के लेवल के लिए आप कर सकते हैं। तो बात करते करते मैं आपके बोलने से मेरे को एकदम याद आया, मैंने कहा हाँ DLF भी तो है ना। तो अभी क्या रिसेंटली ये सब वेल्थ क्रिएशन स्टॉक्स के लिए थोड़ा वो ढूंढना पड़ता है कि कौन से बढ़िया है, तो इसलिए आज के 2000 के लिए DLF परफेक्ट है।